नंबर कहाँ है? तीन तीन बैठे हो, ट्रिपलिंग बैठे हो, गाड़ी का नंबर नहीं रखे हो, पीछे भी गाड़ी का नंबर नहीं है, हेलमेट भी नहीं है। जब गाड़ी नया खरीदे तो हेलमेट भी नया खरीदना चाहिए ना। और कहाँ जा रहे हो? भाग कर इधर आइए मैडम, इधर आइए। गाड़ी किसके नाम पे है? आपके नाम पे है। हेलमेट खरीदा नहीं खरीदा आपने? क्यों भाई, गाड़ी के साथ ही हेलमेट भी खरीदना है, ठीक है? और ये नंबर कब तक मिलेगा? चलिए नंबर लगवाइए, चलिए आगे। आजकल तो शोरूम से ही मिल रहा है नंबर, कैसे बात कर रहे हो? नहीं सर, मतलब शोरूम से ही मिल रहा है, पर जाके लगाना पड़ता है। तो लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी आपको? कुछ दिन बाद आता है सर। तो भाई मैडम नंबर नहीं लगाए, मैं कल लगवा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अभी डबल डबल जाओ, डबल जाओ, आप पैदल जाओ। चलो पैदल चलो, चलो सर बोल दीजिए। ये जनाब क्या कर रहे हैं जनाब? हेलमेट लगाने की आवश्यकता कब से मैं बता रहा हूँ, हेलमेट लगाना है। आप लोग उसकी ज़रूरत नहीं समझते कभी? सर वो थोड़ा जल्दी में सर, मतलब जल्दी में, ज़्यादा जल्दी करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है? बहुत जल्दी हो, चले सर। लगाएंगे सीट बेल्ट लगाएंगे। अरे मैडम रुकिए, मैडम मैडम दो प्यारे प्यारे बच्चों को लेके जा रही है, खुद भी हेलमेट नहीं, ये मास्क लगाई है कोरोना से बचने के लिए, और हेलमेट की कोई जरूरत नहीं समझी आपने? खरीदे हो नहीं खरीदे हो? नहीं खरीदे हो। कब से चला रहे हो ये स्कूटी? अभी अभी ली है सर, सेकंड हैंड है। सेकंड हैंड है, जिंदगी भी सेकंड हैंड हो जाएगी, बच्चों को कौन देखेगा? चलिए हाँ भाई, ये पूजा करके आ रहे हैं सर, नवरात्रि का बताम दिन, लेकिन हेलमेट नहीं लगाया। नंबर लगाना है, हेलमेट गाड़ी खरीदे हो तो हेलमेट भी खरीदना है ना भाई। बहुत बढ़िया, चलो चलो गुड। देखिए समझदार मैडम है। कब से हेलमेट लगा रही हैं आप? 15 इयर्स हो गए। 15 इयर्स हो गए। कुछ तकलीफ हुई है हेलमेट लगाने से आपको? लोग बताते हैं बाल झड़ जाते हैं, पसीना चलता है। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए गुड। मैडम आप देखिए, ये हेलमेट लगा के जा रही हैं और आपके लिए कोई नियम नहीं है। चश्मा पहनती हैं आप आँखों के लिए, सर के लिए भी हेलमेट पहनना है ना। क्या काम करते हो आप? कहाँ पे? डॉक्टर संतोष राय में स्टूडेंट हैं आप, बताइए। उनका भी नाम खराब कर रही हैं आप। चलिए हेलमेट पहनिए आगे से। चलो गुड, ये तो पांडा जी का अपने ध्यान कहाँ रखते हो तुम लोग यार, हमेशा आगे। सर उनको समझाइए सर। अरे भाई दूसरी शादी करने का इरादा है क्या कि एक में ही काम चलाना है? बताओ समझ रहे का मतलब? सीधा ऊपर चले जाओगे, 44 लोग चले गए। खड़ी ट्रक में एक बाइक वाला घुस गया। उसकी नहीं आई थी, उसकी वही उसकी तो आए थे वो मदर, कि वो लोगों ने मार के फेंक दिया। आगे से ध्यान रखना है, ठीक है? चलो रुकिए मैडम रुकिए, देखो भगा भी नहीं है, देखिए देखिए। अरे मैडम ऐसा कर रहे हैं, एक तो आप रोक रहे हैं, रोक रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को, तो आप समझा भाग रहे हो टेढ़ा घुमा के। आप क्या काम करते हो आप? सॉरी सर, सॉरी। इतना आप पर्स पर्स लेके घूमते हो और ऐसे कानून को तोड़ते हो, किसी को चोट लग जाता कुछ लगता, ऑफिशियल ड्यूटी में यूनिफॉर्म में दिख नहीं रहा आपको? पुलिस वाला है, हरकतें तो क्षमा वाली आपकी है नहीं मैडम, बोल रहे अंतिम चेतावनी दे रहे हैं आपको, ठीक है? आगे से नियम का पालन करो, ऐसे भागे नहीं टेढ़ा मेरा। देखिए ऐसे ही लोग हैं आप लोग, ये भी भागने वालों को देखिए, उधर भागने वालों को देखो, बच्चा रोकिए। अरे भैया रोकने बोल रहा हूँ तो सुनाई दे रहा क्या? जनाब बच्चे को गोदी में ले रखा है, हेलमेट का कोई नियम है कि नहीं है? ये लोहे का है कि मांस का ही बना हुआ शरीर है? इतना छोटा बच्चा लेके आप लोग चल रहे हो? इतने दिनों से मैं आह्वान कर रहा हूँ, क्यों चाहते हो कि देश देखे आपको?
बिना देश के देखे ही जागरूकता आनी चाहिए ना। क्या बच्चों को समझाओगे आप लोग? चलें ध्यान दें। अरे देखो इतनी नीचे करो नीचे करो। अरे भैया सीट बेल्ट कहाँ है? कोई नियम है नहीं है कानून देश में? इतनी महंगी गाड़ी पहन चलाने से कुछ नहीं होगा। अरे जनाब क्या डांटे, आपके सामने तो बिना सीट बेल्ट के घूम रहा है। ये आपकी गाड़ी आवाज नहीं करती क्या बिना सीट बेल्ट के? ये आवाज क्यों नहीं कर रहा था? उसमें कुछ लगा दिए होंगे। नहीं नहीं आवाज क्यों नहीं कर रहा था ये बताओ जरा। अरे पूछ रहा हूँ तो जवाब दो ना, क्यों नहीं आवाज कर रहा था? आप बताओ ना क्या लगाया हो? ये क्या है? चाबी लगा देते हैं सर वहाँ। ये देखिए जनाब, ये खरीदा क्यों है जनाब आपने? अरे क्या डांटे हो, खुद दे रहे हो उसको भी डांटे हो। मैं थोड़ी देर लगाऊंगा। ये जो आवाज नहीं कर रहा था ये क्यों रखा है गाड़ी में आपने? अरे भैया तुम ड्राइवर हो या पजामा टाइप के आदमी हो? आदमी कुछ रक्षा की चीजें गाड़ी में लगाता है कि आदमी इस तरह की चीजें रखता है? अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ मैं आपको, समझ में आई बात? चलो देखिए कैसे चीजें रखते हैं ये लोग। इसको लगा, इसको लगा के ब्लॉक करते हैं वहाँ पे सारन, जिससे कि वो फायरन ना बजे। और प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें हैं उसका भी गलत इस्तेमाल करते हैं। ये भी कहीं से खरीदे होंगे ये भी। ये देखिए वन पैसेंजर इन द सीट, ये कंपनियाँ बेच रही हैं इसको बना के। वन पैसेंजर इन द सीट मतलब कंपनियाँ भी बना के बेच रही हैं, जिंदगी को बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब ये परमानेंट लगा के छोड़ देते हैं, इरिटेशन बच जाता है और फायरन कभी बचता ही नहीं है। सोचो ये कंपनियां बना रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, क्या बोलना है। देखें फायरन बजेगा नहीं ना, ये उसको घुसा देंगे। डाल दो ना, कंपनियां बना ही रही हैं, देखो ना। व्हेन पैसेंजर इन द सीट, और ये आया भी है डू नॉट यूज टू पिंग इन सीट। किसी का सीट बेल्ट का निकाल दिए होंगे? नहीं नहीं कंपनियां ही बना रही हैं ये अलग से खरीदा है इन्होंने को लगाने के लिए। दुकान मिल जाता है। अरे रुको 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 जान तो बोलो रुको रुको। मैडम हेलमेट का कोई नियम सुना है आपने मोटर व्हीकल एक्ट में? अरे मैडम यहाँ रहने के लिए, पुलिस परिवार के हो क्या आप? पुलिस परिवार के हो क्या? तो अब बताओ आप लोग हेलमेट ही नहीं पहनते हो, केवल शुभ बनाए हुए हो। शुभ तभी रहेगा जब नियम फॉलो करोगे। चले ये कौन लगाया? रुको रुको देखो, एक दो तीन चार, एक तो आपने को टेम्पू बना दिया है अपने गाड़ी को, छः छः ट्रक बना के बस बना लिया है आपने, और कोई नियम को फॉलो नहीं करते हो आप। कहाँ के एम्प्लॉय हो आप? अरे नाम BSP का भी डुबो दिया आप लोगों ने, हंस रहे हो ऊपर से, शर्म आनी चाहिए आपको। किस रैंक पे हो आप? हाँ अरे यार तुम पढ़े लिखे आदमी हो, BSP में हो, हंस रहे हो ऊपर से, आपने को गोल्ड मेडल जीत के आए हो ओलंपिक में। बार बार समझा रहा हूँ कि सीट बेल्ट लगाना है लगाना है। चले देखो ये नाबालिग टाइप की लग रही है, क्या हाल है। मैडम आप बालिग हैं नाबालिग हैं? कहाँ पढ़ते हो? अरे इसको लगा के नहीं गाड़ी चलाना भाई, नहीं दिखेगा आजू बाजू को ठोक देगा। बोलो कहाँ पढ़ाई करते हो आप लोग? हाँ कौन से ईयर में हो? कौन से ईयर में हो? 15 ईयर्स में आप गाड़ी चला रहे हो। पहले तो नियम नाबालिग को अलाउड नहीं है पहनना, फिर आप हेलमेट नहीं लगा रहे हो। ये किसने दिया आपको ये गाड़ी? किसके किसके नाम पे ये गाड़ी है? मेरे पापा के नाम पेट्रोल डलाने आया। तो पापा को पेट्रोल डलाना नहीं आता क्या? उनकी हार्ट ठीक नहीं है, वो गाड़ी नहीं चला सकते। नहीं चला सकते तो पेट्रोल लेके। मैडम ये कहानी मत सुनो, फिर गाड़ी कौन चलाएगा? फिर गाड़ी की जरूरत ही नहीं है। जब फादर गाड़ी चला तो गाड़ी चलाता कौन है?
पेट्रोल की जरूरत क्यों पड़ गई? गाड़ी चलाता कौन है ये बताओ मुझे? वो तो हाथ काम नहीं करता, हार्ट पेशेंट है, तो गाड़ी कौन चलाता है? आप ही चलाते हो गाड़ी पूरे टाइम? फिर तो कौन चलाता है वो तो पूछ रहा हूँ। बहन चलाती है। तो बहन आके भरवा लेती फिर? गाड़ी को रुकवाएं, घर से बुलाएं, उनको दें, नाबालिग को लाओ ना करें। चलिए फाइट करके रोके इनको। पेरेंट्स बुला लो, पेरेंट्स राजेश, पेरेंट्स। हाँ भाई, हाँ भाई। अरे भाई ये क्या लेके घूम रहे हो? सर, बंद है सर। अरे बंद है तो इसकी जरूरत क्यों है चलाने के टाइम में? और ये कहाँ जा रहा है तार? ये मोबाइल में, जब मोबाइल आएगा तो कहाँ से उठाओगे सर? ये ऐसे जाएगा कान के अंदर। अरे भैया मैं किसी का डॉक्टर हूँ मनोविज्ञान का, ठीक है? सही में। और ये कहाँ है तुम्हारा? सर वो मेरी फॉल्ट है, मैं सर को बताया कि क्या बताया? मेरा फ्लैप टूट गया है सर। फ्लैप टूट गया? एक ही बताओ। हाँ, तुम्हारा मोबाइल खराब होता है तुरंत ठीक कराते हो नहीं कराते सर, हो? मैं रिपेयरिंग को दिया हूँ सर, मैं आपको सच में अभी ये रख के मैं आपको लाके दिखा दूँ। लो कहानी सुनाओ मुझे, तो गलती क्यों मानो पड़े? गलती मान रहा हूँ मैं, सही में गलती मान रहा हूँ। और ये लगा के नहीं चलना है, समझ में आई बात? अंदर करो उसको, निकालो निकालो इसको, क्योंकि आवश्यकता क्या है फोन में? कहाँ जा रहे हो? साइड में कर रही है मैडम। कहाँ है हेलमेट आपका? इसमें नहीं चल। अरे मैडम सब में लगता है हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक में भी लगता है, इसमें भी गिरने से उतनी ही चोट लगेगी। चले हेलमेट लगाएं। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बंद करिए जनाब। 2.5 लाख की गाड़ी पहनते लेते हो, हेलमेट की आवश्यकता नहीं लगी कभी? हेलमेट की आवश्यकता लगी नहीं लगी? लाइसेंस है नहीं है? कहाँ है लाइसेंस दिखाओ। पापा से बात कराओ, तुम भी पापा वाले हो, कराओ पापा से बात। चलो लगाओ लगाओ पापा को। क्यों है पापा आपके? कौन है? DSP है। अरे भाई क्या नाम है उनका? नाम तो होगा ही ना यार, तो गाड़ी दिखाओ, जब्त कर लो गाड़ी। फिर मैं सीज हो जाएगा बेटा, भैया सीज हो जाएगी, मालूम सब चल जाएगा, गाड़ी के नंबर से मालूम चल जाएगा अभी किसके नाम। भाई रिकॉर्डिंग आप बताओ, DSP क्या नाम है पापा का? तो फिर गाड़ी जब्त होगी आपकी, लाइसेंस कहाँ है आपका? ले जाओ फिर कार्रवाई करो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत। अरे भैया DSP SP सबके ऊपर कार्रवाई होगी। यहाँ पे फोन लगा रहे हो पापा को, पापा क्या खोल लेंगे मैं तुम्हारे पापा के, दिखा रहे हो मुझे। अरे ये तो इतना भी तभी नहीं, सीनियर अफसर कौन है जूनियर सीनियर? भैया उतर जाओ पहले, इनके पुलिस वाले को बेटा नहीं हो बेटा, इनके फादर को पुलिस वाले को बेटा होते ना तभी आप नंबर ठीक कम से कम रैंक देखते थे। CG 28 है, चेक करो कहाँ का नंबर है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड गाड़ी है ये? गाड़ी तो DSP के नाम पे है। फाइल करो गाड़ी को, ये नहीं है फर्जी, फर्जी नहीं, चेक कराओ इसकी। इनके घर वाले को बुलाओ तब छोड़ना। और लाइसेंस चेक करना, इनका लाइसेंस है कि नहीं है? 28 का भी है। CG 28 कहाँ का कोड है? उधर का है सर। नहीं नहीं रोको रोको देखते हैं। अरे भैया क्या नमस्ते कर रहे हो? कहाँ है तुम्हारा सीट बेल्ट? लगा के एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर, लगा ले रहा हूँ। इतने दिनों से हम लोग कर रहे हैं, क्या काम करते हो आप? सर मेरा ट्रांसपोर्टिंग का काम है। ट्रांसपोर्टिंग का काम है, दिन भर चलने घूमना फिरना पड़ता है और ऐसे बिना सीट बेल्ट के घूमते हो? सॉरी सर, सॉरी, लगा लिया सर। अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ मैं, चलो। रुक जाओ रुक जाओ, इसको देखो इसको देखो, रुको लगाया हुआ है, लगाया हुआ है। कहाँ है भाई तुम्हारा हेलमेट? ड्यूटी जाने के लिए हेलमेट की आवश्यकता नहीं है? कहाँ की ड्यूटी है, हेलमेट की आवश्यकता नहीं है? कहाँ काम करते हो?